राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही कांग्रेस सरकार की परेशानी भी बढ़ने लगी है। अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर सहित 50 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिनाम जी। हरिनाम जी, क्या क्या कुछ कहना है आपका कि सरकार, देखिए हरिनाम जी की सरकार जो कांग्रेस के ही पार्षद है, कांग्रेस की ही सरकार है, फिर क्या नौबत आ गई कि सरकार, अपनी ही सरकार के खिलाफ ये लोग धरना दे रहे हैं? तो मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजनीति के उठक पटक के बीच में जिस तरह से देखा जा रहा है कि विधायकों और राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से आपस में कहा सुनी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये तो वहां से आग उठते हुए ये देखा जा रहा है पार्षदों के बीच में पहुंचा गया है। ये बात देखा गया आज से करीब 15 दिन पहले एक लेटर मुनीर गुर्जर ने एडिशनल कमिश्नर को लिखा था कि मानसून इस समय आ गए हैं, नाले की सफाई करने के लिए ये देखा गया कि जिस तरह से वार्ड वाइज होते हैं उसमें एक सरकार की तरफ से एक कर्मचारी लगाने का प्रक्रिया किया जा रहा है, कर्मचारी लगाए जाते हैं उन्हें साथ, वो प्रक्रिया एक कहा जा सकता है कि एक लिफाफे बंद एक लेटर एडिशनल कमिश्नर के पास पहुंचाया गया था। एडिशनल कमिश्नर को ये कहा गया था, कहा जाता आयुक्त ने जब कहा गया कि उसे लेटर पर साइन करना है तो आयुक्त ने साइन करने से मना कर दिया गया। वहीं देखा गया जिस तरह से कल की अगर बात माने तो कल रात को मुनीश गुर्जर ने आयुक्त को अपने कमरे में बुलाया। आयुक्त को कमरे बुलाने के बाद ये देखा गया आयुक्त मुनीश गुर्जर जो महापौर मानी जाती है कांग्रेस पार्टी की है उनके पास आयुक्त उनके पास नहीं आए। उनके ना आने की वजह से करीब 50 पार्षद कांग्रेस के और मुनीश गुर्जर उनके आयुक्त के कमरे में गए। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने नोटिस पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। साफ इनकार करने के बावजूद ये देखा गया कि जिस तरह से जो आयुक्त है वर्मा जी वो साइन नहीं किए तो उनको ताले में बंद कर दिया गया था। वहीं अगर देखा जाए स्थानीय जो विधायक है हवा महल जो विधानसभा क्षेत्र के महेश जोशी जो कहे जाते हैं वो उन्होंने पहुंचे वहां पे समझाइश किया गया। समझाइश करने के बाद वहां पर जो आयुक्त है आयुक्त को कमरे से निकाल के पुलिस के देख रेख में उनको उनके घर तक पहुंचाया गया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि शुरू में बताना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच में जिस तरह से गहमागहमी होती है कहीं कहीं भूचाल बनता चला जा रहा है। ये एक कहा जाता है समन्वय बैठाने की बात आ रही है उन सबके बीच में, उसके बावजूद 50 पार्षदों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से इस्तीफा बनाया। मामले को देखते हुए हरिनाम जी, पूरे मामले को देखते हुए अब जो मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया है वो क्या है? अगर देखा जाए तो अभी कल लेटर पहुंचाने की बात की है, फिर लेटर पहुंचाया गया है। अभी लेटर ये जो साइन किया गया है उसको मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं सबसे पहले जो लेटर साइन होता है वो विधायकों जो स्थानीय विधायक होते हैं उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद फिर उसके बाद सीएम के पास पहुंचता है। अभी सीएम का पत्र जो साइन किया गया है उनके पास पहुंचाया गया है। अब क्या प्रतिक्रिया आती है क्योंकि अभी 16 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, पार्षद और महापौर है वो धरने में बैठी है। अब सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है उसको देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। जी शुक्रिया हरिनाम जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अपनी ही सरकार के खिलाफ 16 घंटे से ज्यादा जो पार्षद है 50 पार्षद और मेयर सहित लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अब इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखने वाली बात होगी।